गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स एंड यू आर वेलकम ऑन माय चैनल फॉर अर्थ इंग्लिश यूटोपिया। चैनल का नाम आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं कि इस चैनल पर प्रिपरेशन कराई जा रही है आपको यूजीसी एनटीए नेट की या फिर इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की। अगर आप हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंग्लिश लिटरेचर से कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल और इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट में जा करके विजिट कर सकते हैं और बहुत आराम से उसमें जो भी कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम जैसे कि आप जान रहे हैं कि आजकल मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ अपनी वीडियो में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, या एक तरह से कहे तो एंसेंट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मीन्स प्राचीन समय का जो इतिहास है हमारे इंग्लिश लिटरेचर का, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हु वाज़ द एसाइक्लस, हु वाज़ द यूरिपिड्स, ये सारी चीज़ें अगर हम जान लेंगे और इनकी कौन कौन सी जो है वो रिटिन वर्क है, कौन से प्लेज हैं, ये सब भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसी में हम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास एसाइक्लस। एसाइक्लस को पहले हम इस पूरे पैरा को जितने हमारे पॉइंट आउट मैंने किया हुआ है पूरे उस पैराग्राफ को या पूरे कंटेंट को, तो आप इसके जो पॉइंट आउट है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट, एक एक लाइन आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप एक बार बस एक नज़र इसको देखिए, पढ़िए मेरे साथ साथ और फिर देखिएगा आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एसाइक्लस के बारे में। एसाइक्लस वॉज एन एंसेंट ग्रीक ट्रेजेडियन। पहली बात है हमारी कि एसाइक्लन कौन है, ग्रीक ट्रेजेडियन रहे प्राचीन समय के। सेकंड पॉइंट, ही इज़ ऑल्सो द फर्स्ट हुज प्लेज स्टिल सर्वाइव द अदर सच आर्ट्स ऑफ अकॉज एंड यूरिपिड्स, मीन्स वो सबसे पहले ऐसे ही प्लेज को लिखने वाले राइटर थे जैसे कि सोफोकॉस और यूरिपिड्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ही इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फादर ऑफ ट्रेजेडी, मीन्स उनकी व्याख्या इस रूप में की जाती है कि वो द फादर ऑफ ट्रेजेडी भी कहलाए। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अब यहाँ पे बात आती है कि एरिस्टोटल ने उनके बारे में क्या स्टेटमेंट दिया था। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ही एक्सपेंडेड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द प्लेस टू अलाउ कन्फ्लिक्ट अमंग देम, वेयर एज कैरेक्टर्स प्रीवियसली हैड इंटरेक्टेड अलॉन्ग विद द कोरस। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली सेवन ऑफ इज एस्टिमेटेड 70 to 90 प्लेज सर्वाइव्ड एंड देयर इज ए लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट रिगार्डिंग वन ऑफ हिज प्लेज प्रोमेथियस बाउंड विद सम ब्लेम टू बी रिटन बाय हिज सन यूफोरियन। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट ड्रामेटिस्ट टू प्रेजेंट प्लेज एज ए ट्रायलॉजी, हिज ओरेशिया इज द ओनली एंसेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म दैट सर्वाइव्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, The Persians is the only surviving classical Greek tragedy concerned with contemporary events and useful source of information about its period. Next point is the Oratia. Oratia is the acclaimed by today's literary academics. Okay, there is the most important content of Aeschylus. Next point, the inscription on his graveyard signifies the primary importance of belonging to the city. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हिज ओनली सेवन ट्रेजेडीज आर सर्वाइव्ड इन एक्ट आर द पर्शियंस 472 BC, सेवन अगेंस्ट थेब्स 407 BC, द सोफिलियंस 463 BC, ओरेशिया ट्रायलॉजी एंड प्रोमेथस बाउंड ऑथरशिप इज डिस्प्यूटेड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ओरेशिया ट्रायलॉजी कंसिस्ट ऑफ 3 ट्रेजेडीज, एगेमेनॉन, द लाइबिशियन बियरर्स एंड द यूमिनिड्स। दिस ट्रायलॉजी टेल्स द ब्लडी स्टोरी ऑफ द फैमिली ऑफ एजेमेनॉन, किंग्स ऑफ आर्गोस। अरिस्टोटल क्लेम दैट एसाइक्लस एडिड द सेकेंड एक्टर ड्यूट्रागोनिस टू द ग्रीक स्टेज, ड्यूट्रागोनिस टू द ग्रीक स्टेज। देयर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इन दिस कंटेंट। ओके, हाँ, तो यहाँ देखते हैं, देखिए एसाइक्लस का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये अगर देखा जाए तो एक इस तरह का कंटेंट मैंने आपको अवेलेबल यहाँ पर करने की कोशिश की है ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि पॉइंट आउट करके इसलिए दिखाया गया ताकि आपके एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये इसकी एक देखा जाए तो एक तरह से समरी ऑफ बायोग्राफी एसाइक्लस की थी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कौन से राइटर हैं, सोफोकल्स। देखिए ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। सोफोकल्स क्या थे, 497 to 406 BC की बात है जब सोफोकल्स रहे। तो इसमें हम देखेंगे
Sophocles, Sophocles is one of the ancient Greek tragedians whose plays are survived. ठीक है, Aeschylus भी हमारे क्या थे, ग्रीक ट्रेजेडियन थे, और Sophocles भी हमारे पास क्या हैं, ग्रीक ट्रेजेडियंस हैं. दोनों में ये चीज़ सिमिलर है. नेक्स्ट पॉइंट इज द Sophocles wrote 123 plays during the course of his life, but only 7 have survived in complete form. They are 123 plays में से अगर हम देखें तो उनकी लाइफ में सिर्फ 7 plays थे जो उस समय पर कंप्लीट हो पाए. उनमें से 7 plays की बात हो रही है. फर्स्ट है एजैक्स, सेकंड इज द एंटेगोन, थर्ड इज द वुमेन ऑफ ट्रैकिस, फोर्थ इज द ऑडिपस द किंग, फिफ्थ इज द इलेक्ट्रा, सिक्स इज द फिलोसिट्रेट्स, सेवन इज द ऑडिपस एट कॉलोनस. सेट क्लियर, 7 प्लेज हैं ये इनके पूरे कंप्लीट अगर देखा जाए, जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हुए. 123 प्लेज इन्होंने लिखे, लेकिन इनके जीवन में अगर देखा जाए तो 7 प्लेज ही ऐसे थे जो पूरे हो पाए. तो उन 7 का नेम यहाँ नीचे दिया हुआ था जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द मोस्ट फेमस ट्रेजिडीज ऑफ Sophocles फीचर ऑडिपस मीन्स स्वॉलन फूट एंड ऑल्सो एंटीगोन. दे आर जनरली नॉन एज द थेबन प्लेज, ऑल्दो ईच प्ले वॉज एक्चुअली ए पार्ट ऑफ अ डिफरेंट टेरालोजी द अदर मेम्बर्स ऑफ विच आर नाउ लॉस्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज द ही ऑल्सो डेवलप्ड हिज कैरेक्टर्स टू ए ग्रेटर एक्सटेंट देन अर्लियर प्ले राइट सच एज Aeschylus. नेक्स्ट पॉइंट इज द ओनली 2 ऑफ 7 सर्वाइविंग प्लेस कैन बी डेटेड सिक्योरली, Philoctetes 409 BC एंड ऑडिपस एट कॉलोनस 401 BC. 401 BC मीन्स, इस पॉइंट को एक बार फिर से देखते हैं, ओनली 2 ऑफ 7 सर्वाइविंग प्लेस कैन बी डेटेड सिक्योरली, दैट इज Philoctetes 409 BC एंड ऑडिपस एट कॉलोनस 401 BC. इज दैट क्लियर. नेक्स्ट पार्ट इज द ओके, इसमें देखते हैं हम थेबन प्लेस कौन से थे. यहाँ पर ये देखना है थेबन प्लेस, इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्लेस, ऑडिपस द किंग ऑल्सो कॉल्ड ऑडिपस ट्राइनस और बाय इट्स लैटिन टाइटल ऑडिपस रेक्स, ऑडिपस एट कॉलोनस एंड एंटीगोन. All the three plays concern the fate of Thebes during and after the reign of King Oedipus. Okay. Next, according to Aristotle, Sophocles is responsible for introducing the third actor to Greek stage, Tritagonist. इतना ही इसका पार्ट था इसमें. तो देखिए यहाँ पर इस तरह से थेबन प्लेस की बात हो रही है. तो थेबन प्लेस थे आपके, इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्लेस, ऑडिपस द किंग ऑल्सो कॉल्ड ऑडिपस टर्नस और बाय इट्स लैटिन टाइटल ऑडिपस रेक्स. लैटिन टाइटल में देखें तो ऑडिपस रेक्स बोला जाता है और इसी प्ले का नाम था ऑडिपस द किंग और इसे ऑडिपस टायरेनस के नाम से भी जाना गया. मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये, मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको बार बार इस चीज़ को समझिए. देखिए अगर आप इसको समझेंगे यहाँ पर कि ऑडिपस रेक्स को ही ऑडिपस द किंग कहा जा रहा है, ट्राइनस कहा जा रहा है और इसी को हम ऑडिपस रेक्स के नाम से जानते हैं. ऑडिपस कॉलोनस की बात करें एंड एंटीगोन, ऑल द थ्री प्लेस कंसर्न द फेट ऑफ थेब्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रीजन ऑफ किंग ऑडिपस. किंग ऑडिपस के बाद की बात थी. अकॉर्डिंग टू Aristotle, Sophocles इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द थर्ड एक्टर टू ग्रीक स्टेज, ये भी इनके बारे में कहा गया जो कि Aristotle ने कहा. तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद करके चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंसेंट हिस्ट्री का ये मैटर. अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मेरे साथ साथ इस वीडियो के थ्रू आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को कम्प्लीट करते हैं. ओके चलिए, और इसी के साथ आप चैनल को अगर चाहें तो मोटिवेट करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर और लाइक करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल पर आएँ और जो एक रियल कंटेंट है उसकी स्टडी करें. ये मेरा ऐसा मोटिव है आप लोगों के लिए, ताकि मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप इस कंटेंट के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो ज़रूर आपकी जो प्रिपरेशन है वो अपने आप में कम्प्लीट होगी और बहुत अच्छे से आप इससे अपनी मेरिट हाई ला सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से प्रिपरेशन कर रहे हैं. ये मेरा एक एफर्ट है आप लोगों के लिए ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करें. ओके, जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और
चैनल पर बने रहिए, बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखा करिए ताकि आपको एक कंटेंट क्लियर समझ में आए। ओके, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छा कंटेंट लेकर, एक अच्छा इसी तरह के जो है पॉइंट आउट टाइप का, एक अच्छे राइटर्स की अगर हम बात करें तो इसी तरह हम अपने इंग्लिश लिटरेचर से अपने राइटर्स को डिस्कस करेंगे ताकि कम वक्त में ज़्यादा तैयारी हो जाए, यही मेरा मेन मकसद है। ओके, आप इस चैनल पर जुड़े रहिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।